हे गाइस, यू आर ऑन पीएससी इंग्लिश और मैं हूं आपके साथ स्वयं आहूजा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विक्टर एस्टाफ्यव की एक स्टोरी जिसका नाम है द टैबू। ये जो सी स्टोरी है, बेसिकली ये एक रशियन स्टोरी है जिसमें एक लेडी के दुख के बारे में बताया गया है। वो दुख कैसा है? वो दुख ऐसा है कि उसने अपने हाथों से जो एक चेरी का पेड़ लगाया था, वो बचपन से लेकर बूढ़ी होने तक कभी भी उस चेरी के पेड़ से एक भी चेरी को नहीं खा पाई थी। इसका कारण क्या था वो हम देखेंगे इस स्टोरी में। एक्चुअली ये जो उनसे लेडी थी, इसका नाम था ओडाका। ये बचपन से लेकर अपने ओल्ड एज के आखिरी दिनों तक चेरी के फ्रूट नहीं खा पाई थी, उस चेरी के फ्रूट को नहीं खा पाई थी जो उस पेड़ पे लगे थे जिसको ओडाका ने अपने हाथों से खुद प्लांट किया था। एक्चुअली इनके फैमिली में एक रिवाज था कि कोई भी किसी की भी डेथ होने के बाद, परिवार में किसी की भी डेथ होने के बाद 8 साल तक चेरी का फ्रूट नहीं खा सकता था। यंग गर्ल ओडाका जब 7 साल की थी, उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक ट्री को प्लांट करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो चेरी के पेड़ को उगाए और उसको अपने साथ में ही बड़ा होने दें। उन्होंने ओडाका को ये भी याद करवाया कि उनके जो उनसे फैमिली मेम्बर्स थे, वो अपने बोर्न होने पर ही बड़े होने पर थोड़ा सा प्लांट करते थे ट्रीज को, और उनको कभी भी कट नहीं करते थे। उनकी फैमिली में सिर्फ प्लांट को प्लांट करने का ही रिवाज था, ग्रो करने का ही रिवाज था, ना कि उनको कट करने का। दादाजी के कहने पर ओडाका ने भी पौधा लगाया और ये पतले पतले 2 पौधे थे, और उसको ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये कभी एक पेड़ बन भी सकते हैं। अब दादाजी ने ओडाका को ये भी बताया कि एक वॉल्यून नाम का एक विलेज है जहाँ पे चेरी के पेड़ को बहुत पवित्र समझा जाता है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ओडाका की फैमिली में ये रिवाज था कि परिवार में किसी की मौत होने के बाद 8 साल तक कभी चेरी नहीं खाते थे। जब दादाजी खुद एक बच्चे थे, उन्होंने भी चेरी का पेड़ लगाया था, और इसी कारण अब उनके घर में भी एक चेरी का पेड़ था। दादा ने ओडाका को बताया कि उसे परिवार की जो सी भी परंपरा, जो भी रिवाज है, उसका पालन करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। थोड़ा टाइम बीतने पर पौधा बढ़ना शुरू हुआ, वृक्ष पर चेरी लगनी शुरू हुई और ओडाका का दिल ललचाने लगा। उसने सोचा कि जब वो बड़ी हो जाएगी, उसको लड़के देखने आएंगे, ऐसा सब कुछ वो सोचने लगा। उसने फिर एक चेरी को तोड़ा। ओडाका की माता ने, उसकी मदर ने, उसके हाथ में जब चेरी देखी, उन्होंने उससे चेरी को छीन कर घास पे फेंक दिया। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था क्योंकि दादाजी की डेथ हो चुकी थी। अब 8 साल के लिए वृक्ष खिलता रहा, पेड़ खिलता रहा और फल घास पे गिरते रहे। ओडाका बूढ़ी होने लग पड़ी। उसके बच्चे चेरी के पेड़ की ब्रांचेस की छाया के नीचे खेलते। अब ओडाका बच्चों को रोकती। बच्चे रोग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे बहुत प्यार से बच्चों के सिर पर थपकी देती और हैरान होती कि वे अपने छोटे लड़के लड़की को कैसे बताएं कि उनकी दादी की डेथ हो गई थी। एक बार फिर हर साल पेड़ बारिश में चेरी को गिरा, चेरी को सड़ने दिया जाता। 8 साल बीतने से पहले एक लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में ओडाका के बेटे की डेथ हो गई। लड़ाई में मरे अपने पति और बेटे को अस्पताल में मरी बेटी और हत्यारे के गिरोह द्वारा मारे गए अपने भाई की मृत्यु पर वो शोक करती रही। परिवार में और बहुत सी मौतें हुई। ओडाका ने सोचा कि कोई चेरी का स्वाद नहीं ले सकेगा क्योंकि परिवार में मौतें हो गई थी। उसने महसूस किया कि उसका सारा जीवन रोग में ही बीत गया। ओडाका पहले ही बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। बंदूकें की आवाज़ फिर सुनाई दी। बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली थी। एक दिन उसने अपने ग्रैंडसन, जो उसका नाम था पेट्रो, उसको अपने सामने खड़ा करके देखा। इतने में
सिपाहियों ने जो सा वो पेड़ था उसको ही गिरा दिया। उन्होंने बंदूक के लिए दायरा साफ कर दिया और उन्होंने एक मुट्ठी चेरी तोड़ी। दादी उडाका ने उन्हें बताया कि वे चेरी ना खाएं क्योंकि ऐसा करने पर उनको पाप लगेगा। एक आदमी ने एक मुट्ठी चेरी उसकी गोद में फेंकी। उसने स्कर्ट में से चेरी फेंकने का कोशिश की। उसे याद था कि उसके आसपास कितनी मौतें हुई थी। उसने खुद से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वे प्रार्थना करके या अपने वृक्ष से चेरी ना खाकर मौत को रोक सकती है। उसने एक चेरी अपने मुंह में डाली। उसने कुछ और चेरी खाई। उसने कहा कि चेरी कड़वी थी। सिपाहियों ने उसे चुप कराने का प्रयत्न किया, कोशिश की, और उन्होंने कहा कि चेरी बहुत ही मीठी थी। उनको आश्चर्य था कि क्या बूढ़ी स्त्री ठीक थी, क्या उसकी तबीयत जो सी थी वो ठीक थी। तब एक पड़ोसी आया और सिपाहियों को बताया कि ये गांव का रिवाज था कि चेरी का फल ना खाएं। सारी रात सिपाही गोलियां चलाते रहे। सुबह चेरी का वृक्ष काट दिया गया। बुढ़िया की झोपड़ी में प्रकाश बहुत ज़्यादा था। उसने गिरे हुए वृक्ष के पास, पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा देखा। उसने इस पौधे को ज़मीन में लगा दिया। उसने भगवान से प्रे की कि वह चाहती थी कि ये चेरी का वृक्ष अच्छे भाग्य वाला हो। वह चाहती थी कि ये वृक्ष बड़े और देर तक रहे। ये उडाका की कहानी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।